अरे हिलाओ मत यार, आराम से खड़े रहो। हिलना मत, हिलाना मत। अरे यार बहुत अच्छी है यार, होना चाहिए। ये तो बहुत ही वर्ल्ड क्लास है एकदम, स्पेशल बाइक्स बहुत अच्छे हैं। और वो टिपिकल हमारे में इंडियन में क्या होता है, इंडिया में हम लोग इमोशन कंटेंट ज़्यादा होता है, सो देयर वाज लॉट ऑफ इमोशन, ग्रेट इफेक्ट्स, ग्रेट फाइट्स, गुड परफॉर्मेंसेस, सो यह इज डैम गुड यार। हाँ बिल्कुल, उनको बहुत अच्छा लगा, वो उन्हीं के लिए तो आया हूँ मैं, तो मेरे को पहले बोला था कि जाके देखना है, तो वी हैड टू कम। अच्छा अर्षद भाई, मुन्ना भाई के साथ फिर आपको देखने वाले? 100% है, वो सुभाष स्क्रिप्ट लिख रहा है, तो अगले साल जैसे संजू भाई का चालू हो जाएगी। ओके कैन आई गो प्लीज, थैंक यू, हैप्पी दिवाली टू एवरीबॉडी, हैव फन। हैरान हो गया हूँ मैं कि आप हमारे मुल्क में इस फिनेस
और इतनी सुपीरियर टेक्निक की फिल्म बनाई जाती है। ये फिल्म की टेक्निक जो है, जो इफेक्ट है, वो दुनिया की। अच्छा सर, आप मानते हैं कि सुपर हीरो का दौर आ गया है जिस तरह से? देखिए मैम, मानते हैं और जब थोड़ी कोई डिस्कशन है, थोड़ी चल रही मेरी आप जी कि मैं मानता हूँ कि नहीं मानता दौर नहीं, अच्छी पिक्चरों का दौर आया है और ये बहुत अच्छी फिल्म है और मैं राकेश रोशन साहब को मुबारकबाद देता हूँ। ये तो उनकी फिल्म है, इट इज़ रियली डायरेक्टर, कैसे उन्होंने कंसीव किया है, कैसे उसे बनाया है, कमाल। जावेद साहब, मानते हैं कि हाईटेक दौर में एक्टिंग स्किल दबी पीछे? मानते हैं कि शुरू में बोले वही सर, मतलब एक्टिंग मतलब पहले मैंने कहा था कि मैं नहीं मानता जी, एक्टिंग स्किल दब जाएगी। और मानते हैं, अगर मैं मान गया तो सर अगर मैं आपकी बात मान रहा हूँ तो ये मानते हैं क्यों बोलते हैं? नहीं वही सर, हाईटेक इज अनबिलीवेबल, बहुत अच्छा, बहुत बधाई सबको। हाँ, दिवाली है इतना है और दिवाली की आप सबको मुबारकबाद और हमेशा अब सब तो नहीं जीत पाएंगे लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे दोस्त जीते। आगे जाएगा और पीछे बड़ा, अरे नीचे बैंक।